गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द लेक्चर फोर्थ ऑफ आवर ट्रायंगल। तो इससे पहले हम तीन लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें किया था हमने थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव किया था, हमने एंगल बाईसेक्टर थ्योरम को, उसके कन्वर्स को, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को, और उनसे रिलेटेड काफी सारी क्वेश्चन किए थे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 7A। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है। इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज बाईसेक्टेड एट डी। ठीक है, तो इस डी पॉइंट पे ये एंगल साइड बी सी है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी की, इस पे ये बाईसेक्ट करती है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। देखो ओ हमारा क्या पॉइंट है, ए डी के ऊपर कोई पॉइंट है। बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ। इस पे तो ई पे मिलती है और इस पे किस पे मिलती है बेटा, एफ पे मिलती है। एंड ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स। तो ई डी को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, एक्स तक कर दिया। सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स। बच्चों डी क्या है, ओ एक्स का मिड पॉइंट है। तो इसमें क्या जाएगा, ओ डी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू डी एक्स। तो प्रूव दैट ए ओ अपॉन ओ एक्स, ए ओ अपॉन ए एक्स is equal to AF upon AB, so that EF parallel to BC। तो हमें इन दो चीजों को हमने प्रूव करके दिखाना है बच्चों। देखो इसके अंदर क्या है, हमें थेल्स थ्योरम का यूज करना है और थेल्स थ्योरम का यूज करके हमें इसको सोल्व करना है बच्चों। इसके अंदर एक काम करते थे हैं हम, इसको इसको मिलाते, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रचना करते हैं। बी एक्स को मिला लिया और हमने सी एक्स को मिला लिया। तो देखो बच्चों, इन कोऑर्डिनेटर ओ बी एक्स सी, बच्चों ओ बी एक्स सी में देखो क्या 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 चीज गिवन है, इसने बी डी बराबर है डी सी, और क्या चीज गिवन है, ओ डी बराबर है डी एक्स। इट मीन्स क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी और डी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, ये चीज ने दे रखी है। ये दे रखी है तो कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, ये कोऑर्डिनेटर क्या हमारे, ये डायगनल्स हैं। किसी भी कोऑर्डिनेटर के डायगनल्स एक दूसरे को बाईसेक्ट करे, इट मीन्स क्या होती है, वो एक पैरेललोग्राम होती है। सो ओ बी एक्स सी इज पैरेललोग्राम। तो हमारी क्या होगी, दिस इज द पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की बच्चों हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इट मीन्स क्या है, पैरेललोग्राम है तो बी एक्स पैरेलल टू सी ई। ठीक है बच्चों, बी एक्स पैरेलल टू सी ई, नॉट सी ओ, क्योंकि हमारी पैरेललोग्राम कौन सी है, बी एक्स सी ओ। तो हमारी इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल होगी। अभी दूसरी साइड किसके पैरेलल हो जाएगी, हमारी एक्स सी पैरेलल टू एक्स सी पैरेलल टू ओ बी। तो मेरी दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गई। देखो बच्चों, आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ओ सी के पैरेलल है तो ये ओ एफ के भी पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल टू ओ एफ भी होगी, क्योंकि हमारी ये सेम लाइनें हैं। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, एक्स सी पैरेलल टू ओ बी और पैरेलल टू ओ सी, ओ ई पैरेलल टू, देखो एक्स सी पैरेलल टू ओ बी। ठीक है, तो ओ बी के साथ में क्या, हमारी ओ ई भी हमारी सेम लाइन है ना, दिस इज द सेम लाइन, क्योंकि इसी का टुकड़ा है, इसी लाइन का ये। तो देखो बच्चों, इससे आगे हम क्या करेंगे, फिर जैसे ही हमारी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई ना, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो हम क्या करा देंगे, हमारी थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी देखिए, इन ट्राइंगल ए बी एक्स, देखो बच्चों ए बी एक्स, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारी क्या चीजें हैं, बी एक्स पैरेलल टू ओ एफ, बी एक्स पैरेलल टू ओ एफ, हमें अभी निकाले ये चीजें। तो इसके ये पैरेलल हो गई, तो इट मीन्स क्या है, थेल्स थ्योरम के द्वारा हम क्या चीज निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, आपको इस चीज इस लाइन में आपको पजल नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइन पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल लाइन कौन सी आपकी, ओ एफ और बी एक्स, तो इन्हीं के बेस पे चलना है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ अपोन ओ एक्स और बराबर है ए एफ अपोन एफ बी। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, ए ओ अपोन ओ एक्स बराबर है ए एफ अपोन एफ बी। तो अभी इनको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमारी ये चीज आ गई, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। अभी इन ट्राइंगल ए सी एक्स, देखो बच्चों ए सी
एक्स में। तो इस ट्रायंगल में हमारी क्या है, तो सी एक्स है किसके पैरेलल है, ओई के पैरेलल है। सी एक्स पैरेलल टू ओई, सी एक्स या फिर एक्स सी पैरेलल टू ओई, ये हमने थोड़ी देर पहले प्रूव की है क्योंकि पैरेललोग्राम की लाइन नहीं। तो फिर इसी हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ एक्स और दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्योंकि बच्चों आपको वापस फिर इस लाइन में और इस लाइन में पजल नहीं होना है क्योंकि आपकी लाइन पैरेलल है ही नहीं। देखने में हमें ये चीज लाइन पैरेलल लग रही है लेकिन एक्चुअलिटी में है क्या, ये लाइन इसकी पैरेलल है क्योंकि अभी तक तो हमने यही चीजें प्रूव की है ना। तो तभी क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस डिवाइड बाई ई ओ अपॉन ओ एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी सी एक्स ओ ई की पैरेलल है इसलिए। तो अभी देखो बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू से देखिए, वन एंड टू से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, हमारी सेम होगी। दिस इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी और बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, ये हमारी दोनों तीनों चीजें हमारी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो अभी देखो बच्चों इसके अंदर क्या हमारा, देखो ई एफ पैरेलल टू बी सी, इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए एफ अपॉन एफ बी ए ई अपॉन ई सी। देखो बच्चा ये इसके बराबर है ए एफ अपॉन एफ बी, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर ये चीज हमें प्रूव की है ना, ए एफ अपॉन एफ बी और बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो बच्चों यदि ये ऐसे बराबर हैं इस नियम की तरह ये चीजें, तो इट मींस क्या कह सकते हैं हम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बी सी पैरेलल टू ई एफ या फिर एफ ई, बी सी पैरेलल टू ई एफ। तो बच्चों ये तो हमारी एक चीज तो हमारी सॉल्व हो गई, अभी हमें दूसरी क्या चीज सॉल्व करनी है, ए ओ अपॉन ए एक्स बराबर है ए एफ अपॉन एफ बी। तो बच्चों देखो ए ओ हमारा किस में आता है, इसमें आता है ना, तो इसको लिख लेते हैं ए ओ अपॉन ओ एक्स, और दूसरी चीज क्या है ए एफ, ए एफ इसके अंदर आता है ए एफ अपॉन एफ बी। देखो तो ए ओ ऊपर वाले तो हमारे दोनों मैच हो गई, अब नीचे वाले मैच नहीं हो रहे ए एक्स और ए बी। देखो बेटा ए एक्स क्या है यहां से लेके ना बिल्कुल लास्ट तक है और ए बी क्या है ये वाली पूरी लाइन है, तो एक काम कर लेते हैं हम इसमें दोनों तरफ एक जोड़ लेंगे बाई एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने एक को जोड़ दिया, एक को जोड़ते हमारा क्या हो जाएगा ओ एक्स प्लस में ए ओ डिवाइड बाई ओ एक्स, नीचे क्या आएगा हमारा ए ओ आएगा। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, पहले चीजों को पलट लेते हैं। ठीक है, तो पहले चीजों को पलट लेंगे तब हम एक ऐड करेंगे। देखो बच्चों क्या चाहिए हमें, ए ओ की तो जरूरत रहेगी रहेगी, तो एक काम कर लेते हैं इसको एक बार कन्वर्स कर लेते हैं, ओ एक्स अपॉन ए ओ इक्वल टू एफ बी अपॉन ए एफ। हमने इसको कर लिया उल्टा कर लिया, उल्टा करने के बाद क्या करेंगे हम, दोनों तरफ से एक को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए ओ प्लस में ओ एक्स और डिवाइड बाई ए ओ इक्वल टू एफ बी प्लस में ए एफ अपॉन ए एफ। देखो बच्चों ए ओ प्लस में ओ एक्स, ए ओ प्लस में ओ एक्स ये किसके बराबर है हमारा, ए एक्स के बराबर है अपॉन नीचे क्या हमारा ए ओ है, दिस इक्वल टू एफ बी अपॉन प्लस में ए एफ, एफ बी प्लस में ए एफ ये किसके बराबर है बच्चों ए बी के बराबर, दिस इज डिवाइड बाई ए एफ। तो बेटा हमारी चीजें मैच हो गई, ए एक्स ए ओ, ए एक्स ए ओ, ए एफ ए बी, वहां बी ए बी है। तो वो तो बस इसको हमने क्या करना है, एक बार इसको उल्टा करना है दोनों को, इट मीन्स क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ए ओ बटे ए एक्स दिस इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी, तो क्या जाएगा हेंस प्रूव्ड। बेटा यहां से भी हमने पलटी मार दी तो हमें यहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उलटना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, इसमें ये चीज प्रूव होगी और साथ में ये चीज भी प्रूव होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम इन विच पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देखिए बच्चों, पी का मिड पॉइंट है तो ये और क्या हमारा है, डी पी बराबर है पी सी, तो दोनों चीजें बराबर है। और आगे क्या लिख दिया इसने, एंड क्यू इज ए पॉइंट ऑन ए सी, क्यू किस पे पॉइंट है, ए सी पे पॉइंट करता है ये, सच दैट सी क्यू बराबर है 1/4 ए सी, सी क्यू बराबर है 1/4 ए सी। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं फिर इसमें, इफ पी क्यू प्रोड्यूस्ड मीट बी सी एट आर, देखो हमने इसको प्रोड्यूस किया ना, वो बी सी को किस पे मिलता है, आर पे मिलता है, प्रूव दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बच्चों ये क्या हमारा गिवन है ये चीज, ये दो और टू पर क्या चीज हमें, सी आर बराबर है आर बी, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय द थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज लिख रखी है इसके अंदर, सी क्यू बराबर है 4 टाइम्स है ए सी के, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 4 टाइम सी क्यू। ठीक है बच्चों, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 गुना है सी क्यू के। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी रचना कर लेते हैं, ठीक है, इसकी इसको हमने मिला दिया। तो हमारी क्या सबसे पहली बात, तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हमेशा ही क्या करती है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यदि पैरेललोग्राम है तो सो इसलिए क्या आ जाएगा, ए ओ बराबर है ओ सी, क्योंकि इसके जितने भी डायगनल्स होते हैं ना, हमारे दोनों डायगनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ए ओ की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओ सी की वैल्यू होगी। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी ए सी की वैल्यू क्या है, 4 गुना है सी क्यू के। ठीक है, तो हमारा ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी इक्वल टू ए ओ प्लस में ओ सी, ए ओ प्लस में ओ सी, ए ओ और ओ सी की वैल्यू क्या हमारी बराबर है, ए ओ और ओ सी की वैल्यू क्या हमारी बराबर है, तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए सी इक्वल टू ओ सी प्लस में ओ सी, ए ओ की जगह क्या कर दिया हमने, ओ सी रख दिया, ओ सी प्लस में ओ सी इक्वल टू 2 टाइम ओ सी। ठीक है बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 टाइम ओ सी, तो ए सी की वैल्यू 2 टाइम ओ सी। अब ए सी की वैल्यू क्या हमारी, 4 सी क्यू है। ठीक है, तो अभी देखो बेटा, ये भी ए सी के बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है, तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम क्या हो जाएगा 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 4 सी क्यू और बराबर है 2 ओ सी, तो हमारा 2 टाइम सी क्यू बराबर है 1 टाइम ओ सी, 2 से उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ओ सी बराबर है 2 टाइम सी क्यू। ठीक है, ओ सी क्या होगा हमारा, 2 टाइम सी क्यू, समझ लीजिए। तो अब भी हमारा देखो ओ सी है, इससे आधा हो जाएगा हमारा, ओ सी मतलब सी क्यू बराबर है 1/2 ओ सी। ठीक है, तो सी क्यू किसे आधा हो गया, इसे ओ सी से आधा हो गया। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, ये इससे आधा है, आधा है, इट मींस क्या है, सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। ठीक है बच्चों, क्यू क्या हमारा इसका मिड पॉइंट है, यदि मिड पॉइंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो ओ क्यू इक्वल टू क्यू, ये दोनों चीजें हमारी बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें हमारी बराबर हो गई, तो ये बराबर होते ही हमारा इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल डी सी ओ, देखो बच्चों डी सी ओ में, ठीक है, नाउ इन द ट्रायंगल डी सी ओ। तो देखो बच्चा हमारा इस ट्रायंगल के अंदर अभी हमारी क्या चीज होने वाली है, देखो इसमें क्या चीज है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स को लगाएंगे ना हम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारी चीजें, पी सी अपॉन डी पी, पी सी अपॉन डी पी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, पी सी अपॉन डी पी, तो बेटा पी तो इसका मिड पॉइंट है, दे रखी है, तो पी सी और डी पी की वैल्यू क्या हमारी सेम है, तो पी सी की डी पी की जगह क्या लिख लेंगे हम, पी सी लिख देंगे, पी सी अपॉन पी सी और बराबर है सी क्यू, और ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो ओ क्यू और क्यू ओ हमारे क्या है, हमारे बराबर हैं, जैसे क्यू सी और ओ क्यू, क्या हमारे क्यू सी और या फिर सी क्यू,
सी क्यूब और हमारे क्यूब वो क्या हमारे बराबर है, क्योंकि क्यूब इसका मिड पॉइंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी क्यूब अपॉन सी क्यूब या फिर क्यूब सी। तो इसके मतलब वन बराबर है वन, ठीक है, क्योंकि इसे कट जाएंगे ना, तो हमारा रेशियो सेम आ रहा है ना, क्या रहा हमारा रेशियो सेम आ रहा है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, विच इंप्लॉय डी बी पैरेलल टू पी आर, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन इसके क्या होगी हमारी पैरेलल होगी बाय द थेल्स कन्वर्स थ्योरम। तो जैसे ही इसके पैरेलल हो गई ना, तो पैरेलल होते ही क्या होंगे, इट मीन्स ये क्या होंगे हमारी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। सो इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी में, तो डी बी सी में क्या प्रूव कर दिया हमने, डी बी पैरेलल टू पी आर, ये जो प्रूव किया ना, तो हमें क्या होगा इसमें थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी लगेगी। इट मीन्स क्या होगा, पी सी अपॉन पी डी इक्वल टू सी आर अपॉन आर बी, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी ना, ये दोनों चीजें बराबर है एक दूसरे के। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन पी सी और बराबर है सी आर अपॉन आर बी, इससे ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा सी आर बराबर है आर बी, तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सी आर बराबर है आर बी। सो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या आइसोसेलस होगी, ए बी इक्वल टू ए सी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है, इसके सामने कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। मान लो एंगल क्या है, ये एंगल सी है, तो एंगल ये क्या हमारा बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो एंगल सी के हमारा एंगल बी बराबर हो जाएगा, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेंसिवली, ठीक है, डी और इसके ऊपर हमारे क्या है दो पॉइंट्स है, सच दैट ए डी इक्वल टू ई। अब दे दी, देखो बच्चों इसने इसके बराबर ये दे दी, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ये और एंगल ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों भी एंगल हमारे सेम हो जाएंगे। तो आगे क्या होता है, शो दैट पॉइंट बी सी डी ई आर कॉन्साइक्लिक। तो देखो बच्चों हमारी क्या है, बी सी डी ई, तो क्या प्रूव करनी है हमारी, कॉन्साइक्लिक होगी। इट मीन्स क्या होता है, एक सर्कल में आ जाएगी, और एक कॉन्साइक्लिक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जैसे हमारी ट्रायंगल मान ले क्या है, कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब होती है एक साइकिल के अंदर, साइकिल मतलब एक सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर की प्रॉपर्टी खास बात होती है, आमने सामने की कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, एंगल ए प्लस में एंगल सी क्या होगा हमारा 180 के बराबर, ऐसे एंगल बी प्लस में एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180, ये इसकी क्या होती है बेटा प्रॉपर्टी होती है ये। तो यदि हम इसको प्रूव कर देंगे ना, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव, तो एंगल बी प्लस में एंगल डी ई सी, तो मैं एंगल इसको लिख देता हूं, एंगल मान लो ये लिख दिया हमने एंगल वन प्लस में एंगल वन बराबर क्या करना है 180, या हम क्या प्रूव कर देंगे, एंगल सी प्लस में एंगल टू, या एंगल को टू लिख लेते हैं, एंगल टू बराबर है 180। देखो बच्चों जो छोटे वाला एंगल है ना, मतलब क्या है, बी सी ई वाला है वन, और टू वाला कौन सा है, ई डी बी वाला, ठीक है बच्चों। हमने इनको 180 के बराबर प्रूव कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, ये हमारी ट्राइंगल क्या, ये हमारी लेटर क्या हो जाएगी बच्चों, साइक्लिक हो जाएगी। एंगल बी बराबर है एंगल सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, दो एंगल दोनों इसने बराबर दे रखे, ठीक है, ये चीज क्या हमारी गिवन है। इसको मान लेते हैं दिस इज एंगल थ्री, हम सारों को इसको क्या मान लेंगे, एंगल थ्री मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल थ्री हो जाएगा और ये भी एंगल थ्री हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो गए हमारे थ्री हो गए। तो देखो बच्चों हमारा क्या है, ए एंगल को हम ए एंगल मानते हैं, ठीक है, ए एंगल को हम क्या मान लेंगे, ए एंगल। तो बच्चों आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एबीसी का एंगल ए प्लस में एंगल थ्री और प्लस में एंगल थ्री बराबर कितना होता है 180 होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल की कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 के बराबर होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा
टू टाइम एंगल थ्री किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस में, 180 माइनस में एंगल वन के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो भी क्या हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू 180 माइनस में एंगल ए और वाई में टू, दिस इक्वल टू 90 माइनस में एंगल ए वाई, एंगल थ्री आ गया हमारा, ठीक है। एंगल थ्री आते ही ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एंगल टू भी, एंगल वन भी निकाल लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये ए तो हमारा एंगल थ्री आ गया, तो एंगल थ्री आते ही हमारा वो क्या करेंगे, हम एंगल वन को निकालने से पहले एक काम कर लेते हैं, हम एंगल इसको निकाल लें या फिर इसको निकाल लें। तो देखो बच्चों, हमारा ये एंगल ए है, इसको मान लो एंगल फोर, तो ये भी हमारा क्या होगा, एंगल फोर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ऐसे इसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल फोर प्लस में एंगल फोर इन ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है बच्चों। अभी छोटे वाले ट्रायंगल में है तो इनके गुणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। तो 2 टाइम एंगल 4 बराबर है 180 माइनस में एंगल ए, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस में एंगल ए बाई 2, ठीक है। सेम इसी तरीके से हो जाएगा ये 190 माइनस में एंगल ए बाई 2। तो बच्चों देखिए, हमारा एंगल 4 भी आ गया और एंगल 3 आ गया, एंगल 4 है तो हमारा एंगल 1 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 4 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, 180 के बराबर होता है, क्योंकि एक लाइन पे बने, ठीक है, 1 स्ट्रेट लाइन एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारे एक स्ट्रेट लाइन के एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 4 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 90 माइनस में एंगल ए बाई 2, ठीक है बच्चों, और प्लस में एंगल 1 वुड इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमें चाहिए है सिर्फ एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 3 क्या हमारा बी है ना ये, ठीक है। तो एंगल 1 और 3 से मतलब है हमें बस, बाकी और चीज से हमें मतलब नहीं है। तो हमारा इसमें एंगल 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, हमने सिर्फ यहाँ पे एंगल 1 रखना है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 90 और प्लस का एंगल ए बाई 2, तो एंगल 1 इक्वल टू 90 प्लस में एंगल ए बाई 2। तो देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो 1 प्लस में 3 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल 3 प्लस में एंगल 1 लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगी। अभी राइट हैंड साइड में उसमें क्या है, एंगल 3 के क्या है राइट हैंड साइड में, 90 माइनस में एंगल ए बाई 2, और इसके राइट हैंड साइड में क्या बेटा, 1 के प्लस में 90 और प्लस में एंगल ए बाई 2। तो देखो बच्चों, इससे ये चीज कट हो जाएगी और एंगल 3 प्लस में एंगल 1 किसके बराबर आएगा, 90 और 90 180, और एंगल 3 हमने किसके बराबर मान रखा है, जो बी वाला है ना, तो एंगल बी प्लस में एंगल 1 बराबर कितना आ गया, 180। सो ए सॉरी हमारी क्या आ जाएगी, बी सी डी इज कॉन्साइक्लिक, ठीक है बच्चों। तो हमारी बी सी डी हमारी कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगी, कॉन्साइक्लिक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई सेक्टर ऑफ बी मीट्स ए सी एट टी। तो देखो बच्चा, बाई सेक्टर ऑफ बी है ना, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल मान ले क्या है, एंगल ए है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ए के बराबर होगा। बाई सेक्टर मीन्स क्या होता है, जो दोनों एंगल हमारे सेम में डिवाइड करे। बाई सेक्टर है ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू ई सी, ठीक है बच्चों, पी क्यू पैरेलल टू ई सी, ये चीज के अंदर गिवन दे दी। मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी एट पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ये मीट करती है। तो डैश पेंसिल ने क्या चीज शो करनी है, टू टू क्या है इसके अंदर, पी आर देखिए क्या है, टू पर है इक्वल टू पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी, ठीक है बच्चों, इस पर ऊपर नहीं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताई थी, एक तो हमारी एंगल बाईसेक्टर थ्योरम बताई थी और एक हमारी क्या बताई थी बच्चों, थेल्स थ्योरम बताई थी। देखो बच्चे, पहले तो ये देखिए हमें प्रूव क्या करना है इस चीज़ के अंदर, तो वही चीज़ें हम लेंगे, बाकी चीज को नहीं लेंगे। पी आर, पी आर हमारी एक साइड ये है, बी क्यू एक हमारी साइड ये है, क्यू आर, क्यू आर हमारी साइड ये है, और बी पी हमारी साइड ये है। मतलब क्या हमारा सिर्फ किस चीज से, मतलब मैंने ट्राइंगल बी क्यू पी से,
बच्चों इन ट्रायंगल बी क्यू पी, ठीक है बच्चा। इस बी क्यू पी में क्या है हमारा, ए बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो हम इसमें क्या लगा देंगे बच्चों, फिर हमारी एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगा देंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलती है हमें, बी क्यू अपॉन बी पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगी, बी क्यू अपॉन बी क्यू अपॉन बी पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर पी, यही बोलती है ना हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवाई थी ना बच्चों मैंने आपको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसके द्वारा हमारी ये चीजें इसके बराबर हो जाएगी। तो बच्चों आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू इंटू पी आर और बराबर है क्यू आर इंटू बी पी। तो बेटा हमने यही चीज को हमने सोल्व करना था। तो देखो बच्चों इसी के साथ हमारी, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।